हम शानदार पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कीजिए, जगमगाइए और इस धनतेरस पे शानदार शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लीजिए। सेठ साहब, आपसे शुरू कर रहे हैं। पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तरफ से आज का पहला शेयर कौन सा है? बिल्कुल डिम्पी, आपको भी धनतेरस की और ये जो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आपको, आपके सभी दर्शकों के लिए आने वाला ये जो नया साल है वो बिल्कुल सुखमय और समृद्धिशाली हो। जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, जो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं रिकमेंड करूंगा निवेशकों को खरीदारी करने के लिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर, वो रहेगा वेदांता। ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है जो कि मेटल्स के पूरे क्षेत्र में है, जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, पावर है, ये सब बनाती है। और इसके अलावा अब तो ये केन के मर्जर के बाद ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में भी है। बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी हाल ही में नतीजे आए थे, बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छे नतीजे इस कंपनी से उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह से मुझे लगता है यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर को लेके जो अब बातें शुरू हुई है, मुझे लगता है जो आने वाली G20 समिट में वहां से भी एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकता है, और वो अगर आता है तो पूरे मेटल क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक शानदार कंपनी है, लेड बाई एक एग्रेसिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बाई मिस्टर अनिल अग्रवाल। मुझे लगता है इस गिरावट के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, और एक स्पेशल डिविडेंड इन्होंने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया 17 रुपए का। अगर आज आप ये शेयर खरीदते हैं तो 225-27 के लेवल पे मिलता है, 17 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा, आपकी कॉस्ट आएगी 210 रुपए की। और मुझे लगता है इसे अगर एक साल के लिए अगली दिवाली तक मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल 300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 300 रुपए तक के बड़े टारगेट हैं। आप चाहें तो इसमें जो ट्रिगर पैदा हुआ है डिविडेंड का, वो भी आप ले सकते हैं। अभी भी खरीदारी करके गुंजाइश अभी भी है इसके अंदर। देखिए डिम्पी, जो दूसरा स्टॉक भी मैंने चूज किया है वो भी एक दिग्गज कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, कंपनी का नाम है ITC। ये स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो कि सिगरेट्स के कारोबार में, हम जानते ही हैं कि सिगरेट्स की एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इसके अलावा भी इनके कई कारोबार है, जैसे पर्सनल केयर है, FMCG है, एग्री बिजनेस है, फिर पेपर है, होटल्स है, स्टेशनरी है, तो इन सब सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है। हाल ही में जो सितंबर तिमाही के नतीजे आए बेहद ही शानदार थे, पर्टिकुलरली वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। बहुत ही एक एग्रेसिव मैनेजमेंट है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और मुझे लगता है जिस तरीके से एक रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ITC जैसी कंपनी होगी। और अगर आप इस कंपनी को, इस स्टॉक को इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो अभी भी ये काफी सस्ता ट्रेड करता है, अपने हाइट से भी एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका, और यहाँ से डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए और इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मेरा एक साल का लक्ष्य रहेगा 350 रुपए का, बट इस स्टॉक को मैं चाहूंगा कि निवेशक 3-5 साल के लिए मेंटेन करें। बहुत ही अच्छी कंपनी और एक मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले 3-5 सालों में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की खपत की स्टोरी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने वाला शेयर है ITC। पहले इसकी छवि सिर्फ एक टोबैको कंपनी के नाम पे शेयर बाजार पे हावी थी, और ये बात सच भी थी क्योंकि बड़ा रेवेन्यू इसका टोबैको बिजनेस से ही आता था, लेकिन ना केवल इस कंपनी ने इस छवि को बदलने की कोशिश की है बल्कि इसकी बैलेंस शीट पे वो दिख भी रही है। अलग अलग वर्टिकल्स, चाहे इनके होटल का कारोबार हो, चाहे इनके FMCG बिजनेस हो, या फिर FMCG के अंडर ही इनका जो डेयरी कारोबार हो, ये अपने आप में ग्रोथ वाले बिजनेस है। और बात ITC के बारे में, विकास जी ने कई बार ITC दिया, जैन साहब भी कई बार ITC के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लगता होगा बार बार एक ही तरह के शेयर्स हैं उसमें हम निवेश करें, बार बार एक ही तरह के अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं इसको भी तो नोटिस करें, बार बार यही शेयर क्यों दिए जा रहे हैं इसके पीछे मंशा भी तो देखें, बार बार यही शेयर क्यों बताए जा रहे हैं इसके पीछे इसकी स्ट्रेंथ भी देखी जा सकती है। इसलिए भले वो शेयर 2 बार आया, 10 बार सुनाई दे हमको, लेकिन वो शेयर के पीछे जो पुख्ता रिसर्च है, जो पुख्ता तर्क है, हमको उसके साथ ही चलना है, और वो ITC के अंदर बार बार हमको मिलता है। इसलिए बार बार निवेश के बारे में, उसके बारे में जरूर सोचे। 350 का टारगेट है, ITC जरूर रखिए, ना केवल साल के लिए, जैसे विकास जी कह भी दें कि अगर 4-5 साल के लिए भी रख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। बहुत सही कहा डिम्पी जी आपने, इनफैक्ट कन्विक्शन और ज्यादा दिखाई देता है। कई बार स्टॉक्स रिपीट जरूर होते हैं, बट रोज रोज नए शेयर बताने से अच्छा कि कोई अच्छा स्टॉक जहां पे कन्विक्शन है, जहां पे ग्रोथ दिखती है और डाउनसाइड नहीं दिखती है, वही स्टॉक लाने की कोशिश करें। और वैसा ही एक मैंने ऑटो इंसिलरी सेक्टर पे काफी फोकस रखा है पिछले 3-4 सालों में, काफी स्टॉक्स रिकमेंड किए,
और वहां पे एक स्टॉक है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेडिग्री है वो तो एक जबरदस्त कंफर्ट देती है, सेगमेंट है वो भी बहुत जबरदस्त कंफर्ट देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में दिखाई है और आने वाले सालों में भी मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, और कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब अच्छा खासा आजकल ग्रोथ दे रहा है। इनफैक्ट कई सालों से बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है बट हर थोड़े दिनों में उसमें ग्रोथ आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। अभी भी हालांकि महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और 26-27 के हिस्टोरिकल ट्रेलिंग पी मल्टीपल्स पे चल रही है तो मुझे कंफर्ट देती है, और इन लेवल्स पे बिल्कुल यहाँ पे निवेश करना चाहिए और आराम से 325 तक के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में ये अचीव करेगा। ये एक यूरोप की कंपनी के साथ इसका करार भी है और इसका बेनिफिट आपको ग्लोबली भी मिल रहा है, 395 का टारगेट होगा। जैन साहब की लिस्ट देखिए डिम्पी, जो तीसरा स्टॉक मैंने चूज किया है वो देखिए, अभी संदीप बात कर रहे थे ऑटो कंपोनेंट कंपनी की, अगर ऑटो कंपोनेंट कंपनी को अच्छा करना है तो ऑटो जो कंपनीज है वो डेफिनेटली अच्छा करेंगी तो ही पॉसिबल होगा। वहां से मैंने जो एक लीडिंग कंपनी है मारुति को चूज किया है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है भारत में, इसका 50% से ज्यादा का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। कंपनी के बहुत ही शानदार ब्रांड्स हैं, जो इनके ब्रांड है बलेनो और ब्रेजा, वो अगर आज भी आप खरीदने जाते हैं तो वहां पे एक वेटिंग पीरियड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक अपने हाइट से काफी टूटा है। सितंबर तिमाही के नतीजे थोड़े खराब थे बिकॉज एक तो केरला फ्लड्स का प्रेशर था और बाकी जो अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के जो चार्जेस बढ़ाए हैं तो उसके कारण से भी कारों की बिक्री थोड़ी सब्ड्यूड थी, तो वो एक टेम्पररी इफेक्ट है। मुझे लगता है जिस तरह से रूरल इकोनॉमिक रिकवरी देखी जा रही है और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मारुति जैसी कंपनी को भारत में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फायदा रहने वाला है, और इस गिरावट के बाद एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, मेरा एक साल का लक्ष्य यानी कि अगली दिवाली तक मुझे लगता है 9,500 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन भाव से करेक्ट हुई थी, भाव वो इस तरह के थे कि ऐसे लेवल पे आ गए थे कि जहां पे जरूर निवेश करना चाहिए। अभी भी कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है क्योंकि अलग अलग एनालिस्ट का, अलग अलग रिपोर्ट्स का, अलग अलग स्टडीज का एक ही चीज, एक ही सार निकल के आ रहा है कि मारुति के अंदर अभी भी 9,500 से 10,000-11,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बस हाँ, एंट्री किस लेवल पे हो रही है ये आपको ज्यादा कंफर्ट देगा। आज भाव से एंट्री कंफर्ट जरूर देगा, इसलिए विकास जी ने शेयर को चुना है, 9,500 तक का टारगेट रखे, एक वर्ष में खरीदारी की जा सकती है। ये हो गया असेट साहब की तरफ से तीसरा शेयर। जैन साहब आपकी तरफ से तीसरा शेयर कौन सा है? CDSL, ये स्टॉक पहली बार नहीं दिया मैंने, पहले भी दिया जो आप कह रहे थे कि कई बार रिपीट होते हैं, ये इनफैक्ट वो स्टॉक है जिसको मैं जानबूझ के रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि डाउनसाइड बहुत कम लगता है, आप देखिए कि ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है ये स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पी मल्टीपल्स पे खड़ा है, एक तरीके से देखिए डुओपोलिस्टिक बिजनेस है, एक NSDL और एक दूसरा CDSL है, और इनफैक्ट CDSL की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा इसीलिए है कि जो भी ब्रोकर्स नहीं अगर DP लेते हैं तो जनरली वो CDSL के लिए ऑप्ट करते हैं। हम भी एक डिपॉजिटरी डिस्क्लेमर देना चाहेंगे CDSL की, तो वैसे ही जो जिस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन आ रहा है, हर चीज में डीमैट अकाउंट्स आ रहे हैं, सरकार की जो डिजिटाइजेशन के ऊपर जो फोकस है, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलर कंपनी रहती है। और उसमें भी एक बढ़िया बात एक और है साथ में, December 5 एक डेडलाइन है जहां पे डिमेटलाइजेशन के लिए काफी शेयर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट उसमें एक रेगुलेशन है कि आप डीमैट के बिना डायरेक्ट ट्रांसफर आप नहीं करवा सकते कोई भी दूसरे ट्रांसफरी के नाम पे, तो वो एक बहुत बड़ा रेगुलेशन चेंज है जिसकी वजह से काफी डिमांड आ रही है अभी डीमैट की। ये मैं एक चैनल चेक से आपको बात करके बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19% का, डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% का, साथ में जीरो डेट कंपनी है और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, डुओपोलिस्टिक बोल लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैगर भी है कंपनी की करीब 15-20% से कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो करती आई है, तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करें, और ये वैसा निवेश है जिसको आप लेके भूल सकते हैं और वाकई में आराम से सो सकते हैं, डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं, मुझे बहुत कन्विक्शन है इस स्टोरी पे। ठीक है, तो ये शेयर भी यहाँ पे आपकी लिस्ट में आ गया। सिटी साहब एक और शेयर आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो को पक्का कर दे, हम अगर चार शेयर की एक सूची आपके ही पोर्टफोलियो से समझना चाहें तो चौथा शेयर कौन सा होगा रिकमेंडेशन में? बिल्कुल डिम्पी, जो चौथा स्टॉक है वो भी एक दिग्गज कंपनी है, कंपनी का नाम है L&T। ये भारत की एक लीडिंग इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसके ग्लोबल ऑपरेशंस है, कंपनी करीबन 30 और कंट्रीज में काम करती है। इसके अलावा इनका फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में भी एक्सपोजर है अपनी सब्सिडियरीज के द्वारा।
बहुत ही शानदार कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। हाल ही में तिमाही नतीजे बेहद ही शानदार नतीजे थे। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों के बाद पहली बार अब 15% के आरओई पे काम करना शुरू किया है, जो कि बहुत ही एक सराहनीय बात है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरह से ये एक इलेक्शन ईयर रहेगा और सरकार का स्पेंड बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है एलएनटी की ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। इसके अलावा जो एक और सेक्टर है जिसपे इनके ऑर्डर बुक डिपेंड करती है वो है हाइड्रोकार्बन का सेक्टर। तो चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है वहां से भी बहुत अच्छी एक ऑर्डर बुक में ग्रोथ रहेगी और करेक्शन के बाद स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। और हाल ही में कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है 1475 रुपए के लेवल पे। ये स्टॉक उस बायबैक प्राइस के नीचे अभी 1350 के आसपास मिलता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लंबी अवधि के निवेशकों को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 1 साल का मेरा लक्ष्य रहेगा 1750 रुपए। ये सारे के सारे शेयर बेहतरीन रिसर्च करके हम आपके सामने रखते हैं। भले हमारे पास समय की थोड़ी कमी होती है, इसलिए सारी की सारी बातें आपके सामने नहीं रख पाते, लेकिन आप जो भी बातें हम आपके सामने तर्क रख रहे होते हैं हमारे मेहमान, आप ये बात मान के चले कि वो काफी पढ़ाई और काफी रिसर्च और काफी पुख्ता एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो शेयर आपके सामने रखते हैं। इसलिए जैन साहब, एक चौथा शेयर आपसे और भी चाहिए होगा ताकि कार्यक्रम में हम 8 शेयरों की सूची को पूरा कर पाए। ट्राइडेंट, इनफैक्ट ये स्टॉक टेरी टॉवल्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है और खास बात यह है इसका नाम पहले अभिषेक इंडस्ट्रीज हुआ करता था और नया नाम है ट्राइडेंट और बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं तो जो महंगे स्टॉक्स है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और जो सस्ते स्टॉक्स है वहां पे और वैल्यू अच्छी दिखने लगती है और वो वैल्यू पिक के रूप में सामने आते हैं। और वैसा ही है कि ये स्टॉक और इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। करीब 109 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। आराम से ये 85-90 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में अचीव करता हुआ दिखे। ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बताने के लिए सभी के सभी शेयर्स।